हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी एक नाश्ते की रेसिपी। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, आप इसे अपने घर में ज़रूर बना के देखें। इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बड़े आलू को ग्रेट करके, साफ़ पानी से 2 से 3 बार धो लिया है। अब इसमें डालेंगे हम कुछ इन्ग्रीडियंट्स। डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर अदरक को ग्रेट करके ले लिया है, आधा चम्मच यहाँ पर लेंगे साबुत जीरा, आधा चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच यहाँ पे लेंगे राइस फ्लावर, आधा चम्मच यहाँ पे मेरा हल्दी पाउडर है और आधा चम्मच गरम मसाला। डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, कटा हुआ हरा धनिया, एक मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने इस तरीके से पतले चॉप कर लिया है, खोल के डाल देंगे इस तरीके से। और आखिरी में डालेंगे आधा कप बेसन। इन सभी को डाल लेने के बाद अच्छे से एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, आप इसे अपने घर में ज़रूर बना के देखें और कैसा बना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिक्स करते हुए अगर आपको लगे कि आपको पानी की ज़रूरत है, जैसे कि मेरा थोड़ा सा ड्राई हो रखा है, हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे, एक बारी में सारा नहीं डालेंगे, बहुत पतला हमें बैटर नहीं बनाना है इसको। थोड़ा सा और पानी डाल के मैंने इसे इस तरीके से तैयार कर लिया है। हमारा इस तरीके से पानी रहना चाहिए बैटर, इससे ज़्यादा हम पानी नहीं डालेंगे इसमें। अब हम ले लेंगे 4 ब्रेड, अब हम ले लेंगे 4 ब्रेड और इसको हम 4 टुकड़ों में कट कर लेंगे। और जो हमने बैटर तैयार करके रखा था उसमें हम कुछ इस तरीके से उठाएंगे और दोनों तरफ लगाते जाएंगे, अच्छे से हमारा ब्रेड में कोट हो जाए उतना हमें इसे लगाना है। दोनों तरफ से इस तरीके से लगा के हम इसे तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा ये तैयार हुआ है। मैं आपको एक और लगा के दिखाती हूँ। और इसी तरीके से मैं बाकी भी बना के तैयार कर लूँगी। अब हम ले लेंगे कढ़ाई, कढ़ाई में डाल देंगे तेल। तेल हमें थोड़ा ज़्यादा लेना है क्योंकि हम इसमें डीप फ्राई करेंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाए हम इसमें एक एक करके ब्रेड डालते जाएंगे। गैस का फ्लेम हमारा मीडियम में रहेगा, एक बारी में हमारा जितना है हम उतना ही डाल के फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम में हम इसे पलट पलट के फ्राई करेंगे जब तक दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनके ये तैयार होगा और अंदर से ब्रेड होने की वजह से बहुत सॉफ्ट बनके भी तैयार होगा। इसी तरीके से हम पलटते रहेंगे इसको लगातार। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं कितना सुंदर ब्राउन कलर आया है। इसी तरीके से हमें इसे फ्राई करना था। ये देखने में जितना टेस्टी लग रहा है उतना ही खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप चाहे तो इसे हरी चटनी, मेयोनीज या फिर टमाटो केचप के साथ सर्व करके खा सकते हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और तैयार हो गया हमारा बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी नाश्ता। ये मेरा और मेरे भाई का तो फेवरेट डिश में से है, तो आप इसे ज़रूर बना के एक बार ट्राई करें। बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बन के ये तैयार हो गया है। आप चाहे तो यहाँ पर हरी चटनी या फिर टमाटो केचप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।